गाइस, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आज की वीडियो इस बल्ब के ऊपर है, और जैसा कि आप सभी को पता होगा बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था आज से 200 साल पहले। इसके अंदर एक फिलामेंट है, कार्बन फिलामेंट ये, तो जब इसको करंट मिलता है तो ये जो है फिलामेंट जलता है, और इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है तब ये बल्ब जलता है। वैसे तो इसका यूज रोशनी के लिए होता है, लेकिन आज हम इसका यूज यानी कि इसकी टेस्टिंग पानी के अंदर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, पानी के अंदर करने वाले हैं। वो कैसे, आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेंगे पानी लेंगे गिलास में, और एक लिमिट मात्रा में ही लेंगे जिससे कि बल्ब भी डूब जाए। ठीक है, बल्ब के चारों ओर पानी हो। अब इस बल्ब को जो है हम डायरेक्टली इसमें डुबाकर और इधर से स्विच ऑन कर देंगे। ऐसे करके देखिएगा, पूरा बल्ब को जो है इसमें डुबा देंगे ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके इसको डुबा देंगे, और ऊपर से थोड़ा इसके भारी वजन कुछ रख देंगे ऐसा, कोई पत्थर वगैरह। पहले यह वीडियो पूरी सेफ्टी के साथ रिसर्च करके बनाई गई है, कृपया आप इसको घर पर दोहराने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले हमने इसमें पानी भर लिया है, देखिए ये पानी भर लिया है, इतना मैंने इसलिए भरा है, अगर मैं इसको ऐसे करके डुबाऊंगा तो ये देखिए पानी जो है ऊपर ऐसे करके ये बाहर निकल जाता है इससे पानी, तो इसमें लिमिटेड पानी इसलिए भरा गया है। और इसको पूरा डुबाने के लिए ऐसे तो डूबेगा नहीं, ये देखो ऐसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि विस्क के अंदर वैक्यूम होती है। सो गाइस, जो ये है जैसे बैलून है, बैलून पानी में तैरता है अंदर नहीं डूबता, तो इसी तरीके से ये है अंदर नहीं डूबेगी। तो इसको हम जबरदस्ती इस पत्थर, ये पत्थर रख देना होगा इसके ऊपर से ऐसे करके, और फिर इसके बाद हमें यहाँ से तार लगाने होंगे। सो गाइज, अब मैंने तार लगा दिए हैं। सो गाइज, अब है इसको टेस्टिंग करने की बारी, और देखते हैं गाइज क्या होता है, बल्ब फट जाएगा या फिर जलेगा या फिर जो भी होगा, कमेंट करके जरूर लिख देना गाइज। और जो भी चैनल पर नए हैं गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब है गाइज इसको टेस्ट करने की बारी। वन, इधर देखिएगा, इधर यहाँ से मैं स्विच ऑन करूँगा और इधर से ये बल्ब जलेगा फूटेगा क्या होगा मेरे को नहीं पता। 1, 2, 3 एंड गो। ओ माय गॉड गाइस, देखिएगा गाइस ये बल्ब पानी के अंदर चल रहा है गाइस, पानी के अंदर। ओ माय गॉड, देखिएगा गाइस पानी के अंदर बल्ब चल रहा है भाई, ये कैसा पॉसिबल है भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है पानी के अंदर बल्ब चल रहा है। गाइज अमेजिंग गाइज, भाई यकीन नहीं हो रहा है गाइज मेरे को कि ये पानी के अंदर कैसे जल रहा है भाई बल्ब। तो देखिएगा गाइज ये कैसे हो सकता है गाइज। गाइज मेरे को सच में आइडिया नहीं था इस चीज का कि ये सच में बल्ब पानी के अंदर जल जाएगा, मैं सोच रहा था ऐसा ब्लास्ट होगा एकदम से, इसलिए मैं दूर खड़ा था इससे, लेकिन गाइज तो पानी के अंदर जल रहा है गाइज, ये कैसे पॉसिबल है। और देखिए छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं यार, और गाइस पूरी रोशनी देख सकते हैं आप, देखिए कितनी रोशनी है, देखिए ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हूं, देखिए। एक बार बंद करते हैं हम इसको और फिर जलाते हैं एक बार से, एक बार पास से दिखाइएगा यहां से। अब देखिए मैं ऑन करूंगा, 1, 2, 3 स्टार्ट। ये देखिए गाइस पानी के अंदर बल्ब जल रहा है भाई। गाइस किसी को भी पता हो कि पानी के अंदर क्यों जल रहा है बल्ब, सो गाइस कमेंट करके जरूर लिखना गाइस, कि मुझे बताना कि मुझे भी पता चले कि भाई पानी के अंदर कैसे जल सकता है भाई बल्ब। भाई मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा गाइस मुझे, ये जल कैसे रहा है भाई, है ना गाइस अमेजिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना गाइज, और कमेंट करके बताना कि ये बल्ब कैसे जल रहा है गाइज पानी के अंदर।
सो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।